हेलो। देखिए, आज अपन लाइटनिंग अरेस्टर के बारे में देखेंगे। SSC JEE और दूसरे कंपटीशन एग्जाम में जिस टाइप के क्वेश्चन आते हैं इस पे, ठीक है ना, उस तरीके से अपन इसकी थ्योरी को पढ़ने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको इसका नाम बता दूं। आप जैसे कि नाम बता के दूं, आप देख ही रहे हो, लाइटनिंग अरेस्टर। लाइटनिंग मतलब जो अपनी आसमान से जो बिजली गिरती है, ठीक है। और अरेस्टर, अरेस्टर वर्ड आया अरेस्ट करने से, जिसको बोलते हैं अपन गिरफ्तार करना। तो मतलब ये कुछ ऐसा सा डिवाइस है कि जो लाइटनिंग गिरेगी अपने अपने इक्विपमेंट्स पे, अपने कंडक्टर पे, उस लाइटनिंग को इसको एब्जॉर्ब कर लेना है, या मैं बोल दूँ गिरफ्तार कर लेना है। अब चलो इसको शुरू करें। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ। देखो, कभी भी लाइटनिंग अरेस्टर और सर्ज अरेस्टर में बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना। लाइटनिंग अरेस्टर जो है अपने आउटसाइड टर्मिनल्स के लिए होता है, ठीक है ना, जैसे कि अपने सब स्टेशन वगैरह, अपने ट्रांसफार्मर वगैरह, इनको बचाना हो तब उसका नाम लाइटनिंग अरेस्टर हो जाता है। और अगर अपन को इनसाइड पैनल, अपने घर के अंदर की जो चीज़ें उनको बचाना है, उस तो उसका नाम सर्ज अरेस्टर पड़ जाता है, ठीक है ना। काम उसका वही है, जो हाई वोल्टेज ट्रांजाइंट बनेंगे, जो अपने फॉल्ट करंट बनेगा उसको एब्जॉर्ब करना, ठीक है। तो देखो होता क्या है, लाइटनिंग अरेस्टर की जरूरत क्यों पड़ी अपन को। देखो, अपन को पता है सबसे ऊपर जो अपने ये अपना टावर है, ठीक है, उस पर ये अपने कंडक्टर है, लाइव कंडक्टर, जिसमें अपनी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है। उसके ऊपर आपने देखा होगा कि एक ग्राउंड वायर फ्लो करता है। देखो होता ये ग्राउंड वायर का प्रोटेक्शन क्या है, इसको लाइटनिंग स्ट्रोक से बचाना। तो या तो बिजली अगर इस पे गिरे तो ठीक है, ठीक है, तो अपना प्रोटेक्शन हो गया। नहीं तो कभी कभी क्या होता है कि कंडक्टर पे गिरेगी और कंडक्टर में वेरी हाई करंट फ्लो होगा, मतलब सर्जेस फ्लो होंगे, हाई वोल्टेज सर्जेस। तो ये जब सर्जेस टर्मिनल टर्मिनल पर पहुंचेंगे, मान लो यहाँ पे ट्रांसफार्मर लगा होता, ठीक है, वहां पहुंचता, तो ये जो हाई वोल्टेज ट्रांजाइट बना ये उसको डैमेज कर देता। तो उससे प्रोटेक्शन के लिए अपन को उन टर्मिनल इक्विपमेंट पे क्या जोड़ना पड़ता है, जोड़ना पड़ता है अपन को लाइटनिंग अरेस्टर जोड़ना पड़ता है, ठीक है ना। तो अभी आपने इतनी बात सुनी, अब मैं आपको धीरे धीरे थ्योरी और बताऊंगा, ठीक है ना। तो मैंने यही चीज़ देखो यहाँ पे लिख रखी है, ग्राउंडिंग वायर रनिंग ओवर द टावर और सब स्टेशन प्रोवाइड गुड प्रोटेक्शन टू द इलेक्ट्रिकल सिस्टम अगेंस्ट डायरेक्ट लाइटनिंग स्ट्रोक। जैसे कि मैंने बोला, ये जो ग्राउंडिंग वायर, ये जो डायरेक्ट लाइटनिंग स्ट्रोक होंगे उनसे तो अपन को बचा लेंगे, लेकिन जो सर्जेस आएंगे उनसे तो बचा नहीं पाएंगे। तो ये वाली बात मैंने यहाँ पे देखो डार्क में लिखी, बट दे फेल टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट ट्रेवलिंग हाई वोल्टेज और करंट वेव दैट रीच टू टर्मिनल इक्विपमेंट। मान लो किसी तरह से इन अपने जो लाइव कंडक्टर थे, इनमें बिजली गिर गई या कोई हाई वोल्टेज सर्ज आया, तो वो टर्मिनल तक ट्रैवल करेगा, और टर्मिनल पर ट्रैवल करेगा तो अपना जो जो अपने इंस्ट्रूमेंट लगे हुए, मान लो एक सिंपल से अपन बहुत ही बढ़िया एग्जांपल के भी मान लिया, अपन ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, ठीक है ना। तो ट्रांसफार्मर तक अगर वो हाई वोल्टेज सर्ज पहुँच गया तो वो तो उसको डैमेज कर देगा। जैसे आपने देखा होगा कि जब भी बारिश आती है ज़्यादा, तो अगर बिजली गिरती है आसपास में, तो अपना ट्रांसफार्मर बोल जाता है, फिर अपन रात भर बैठे रहो अंधेरे में, ठीक है ना। तो उसी को प्रोटेक्ट करने के लिए है ना अपन ने ये लाइटनिंग अरेस्टर काम में लिया है। देखो ये लाइटनिंग अरेस्टर मैंने यहाँ लिखा है, प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट सच वेव। ये जो ऐसी वेव जो जनरेट हुई, ठीक है ना, जिसको ग्राउंडिंग वायर वो ओवरकम नहीं कर पाया जिस प्रॉब्लम से, ठीक है ना, तो उससे प्रोटेक्शन अपन को लाइटनिंग अरेस्टर देगा। और बहुत ही सिंपल शब्दों में अपन बताएंगे कि लाइटनिंग अरेस्टर काम कैसे करता है। देखो सबसे पहले तो कोई पूछे ना कि लाइटनिंग अरेस्टर में कितने टर्मिनल होते हैं, तो भैया दो टर्मिनल होते हैं। एक को तो अपन को डायरेक्ट फेस पे जोड़ना पड़ेगा और दूसरे को अपन को जोड़ना पड़ेगा ग्राउंड में, ठीक है ना। अब लाइटनिंग अरेस्टर में होता क्या है, ये एक स्पार्क गैप होता है, ठीक है, और एक नॉन लीनियर रेजिस्टेंस लगा हुआ है। अब मैं आपको इस स्पार्क गैप का रोल समझाता हूँ। देखो स्पार्क गैप है, यहाँ पे एयर भरी हुई है, तो आपको पता है कि एयर की इंसुलेटिंग स्ट्रेंथ कुछ बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है ना। हर कोई नहीं फाड़ सकता उस इंसुलेटिंग स्ट्रेंथ को, और अगर जो फाड़ने में कामयाब हुआ है ना, तोड़ने में, अब थोड़ा गलत वर्ड लग रहा है, तो कंडक्टिंग पाथ बनेगा, यहाँ पे आर्क बन जाएगी और कंडक्ट करने लगेगा। तो इस इंसुलेटिंग स्ट्रेंथ को ओवरकम करने के लिए एक बहुत ज़्यादा हाई वोल्टेज चाहिए। वो कब होगा, जब लाइटनिंग गिरेगी, नहीं तो अगर नॉर्मल पावर अगर आती रही है ना, तो वो इधर फ्लो नहीं कर पाएगी, क्योंकि जो नॉर्मल वोल्टेज है वो अपना स्पार्क गैप को क्या करेगा, इसकी इंसुलेटिंग स्ट्रेंथ को नहीं तोड़ सकता। लेकिन जैसे ही यहाँ पे आ गया अपना हाई वोल्टेज, तो उसको एक रास्ता ये भी मिलेगा, और उसके लिए स्पार्क गैप बहुत छोटा है कि वो इंसुलेटिंग स्ट्रेंथ एयर की फाड़ देगा यहाँ पे और कंडक्टिंग पाथ बनाएगा। और ये नॉन लीनियर रेजिस्टेंस जो बनाए ना, इसका भी एक रोल है। ये क्या करेगा, हाई रेजिस्टेंस तो देगा किसको, नॉर्मल ऑपरेटिंग कंडीशन को, और लो रेजिस्टेंस देगा लाइटनिंग वाली कंडीशन को, जब फॉल्ट आएगा या लाइट लाइट बिजली गिरेगी, ठीक है ना। तो ये बेसिक था, है ना। तो आपने देख लिया, एक तो फेस पे लगाएंगे और दूसरा, सॉरी हाँ, एक तो फेस पे और दूसरा ग्राउंड पे, ठीक है ना। और याद रखना एक चीज़ और, आप यहाँ पे पकड़ लो, ये 1000 वोल्ट से ज़्यादा पे काम में आता है अपना लाइटनिंग अरेस्टर, ठीक है ना। और हर फेस के लिए आपको अलग अलग लगाना पड़ेगा। मानो कि जैसे ट्रांसफार्मर में अपन को अपने पास 3 फेस होते हैं, तो तीनों फेस पे एक एक लाइटनिंग अरेस्टर लगेगा, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपको देखनी है, और यही चीज़ देखो मैंने लिख भी रखी है, दिस अरेस्टर कंसिस्ट ऑफ अ स्पार्क गैप इन सीरीज विद अ नॉन लीनियर रेजिस्टेंस। स्पार्क गैप किस में था, सीरीज में था, किसके साथ, नॉन लीनियर रेजिस्टेंस के साथ, विच प्रोवाइड हाई रेजिस्टेंस टू नॉर्मल वोल्टेज एंड लो रेजिस्टेंस टू सर्ज वोल्टेज, ठीक है ना। जैसे ही हाई हाई वोल्टेज आया या सर्ज वोल्टेज आया, तो उसको तो ये
लो रेजिस्टेंस पाथ देगा। लो रेजिस्टेंस पाथ देगा मतलब ये इंसुलेटिंग स्टैंड टूट चुकी होगी और कंडक्टिंग बनेगा, और जितनी भी जो बिजली गिरेगी वो सीधी अपनी ग्राउंड में, लेकिन नॉर्मल ऑपरेटिंग कंडीशन में ये टूटेगा नहीं, इंसुलेटिंग स्टैंड टूटेगी नहीं, और ये वेरी हाई रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा, और अपना जो करंट है उसको पास एक ही रास्ता है कि वो इधर से फ्लो करे। ठीक है, तो ये लिखिए। अब देखो सर्जेस के बारे में मैंने लिखा, अपन को आपको पता ही होगा वैसे तो, सडन राइज इन एक्सेसिव वोल्टेज दैट डैमेज द इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट। ठीक है ना, तो ये मेरे हिसाब से बताने की इतनी कोई बात नहीं थी। अब देखो जैसे कि मैंने बताया जो वन एंड है डाइवर्टर का है ना या अरेस्टर का, इज कनेक्टेड टू द टर्मिनल ऑफ द अपर्चर्स टू बी प्रोटेक्टेड, मतलब जिस टर्मिनल को अपन को बचाना है ना उसमें कनेक्ट होगा, उसके एक फेस से कनेक्ट होगा, और दूसरा जो होगा वो अपना हमेशा किससे कनेक्ट होगा, ग्राउंड से होगा। तो आपको ये वाली बात भी याद रखनी है। अब किससे कनेक्ट होगा, थ्रू नॉन लीनियर रेजिस्टेंस इन सीरीज विद स्पार्क, ये भी मैं आपको पहले बता चुका था। ठीक है ना, तो मैंने ये देखो ये वाली चीज़ बता रखी है, नोट करके मैंने लिखा। अगर आपको ये चीज़ समझ में नहीं आती तो देखो स्पार्क गैप कंडक्ट क्यों करने लगा, देखो यहाँ पे क्या थी, एयर थी, और एयर की आपको इंसुलेटिंग स्ट्रेंथ पता है, बिजली आसमान से रोज तो गिरती नहीं है ना, वो इतना वोल्टेज डेवलप करती है कि जो हवा में जो एयर है वो आयोनाइज होती है और उसकी इंसुलेटिंग स्ट्रेंथ टूटती है, तभी वो कंडक्टिंग पाथ बनता है और बिजली फ्लो कर जाती है ग्राउंड तक। तो वही सिंपल सा फंडा यहाँ लग रहा है, इस हवा को हर कोई इंसुलेटिंग हर कोई वोल्टेज पे ये गैप वो कंडक्ट नहीं करेगा, इसके गैप को तोड़ने के लिए बहुत ज़्यादा हाई वोल्टेज चाहिए जो अपनी लाइटनिंग स्ट्रोक या सर्जिस के थ्रू अपन को मिल सकता था। अब ये देखो यही चीज़ यहाँ पे लिख रही है, द लेंथ ऑफ द गैप इज सेट दैट नॉर्मल लाइन वोल्टेज इज नॉट सफिशिएंट टू कॉज द ब्रेकडाउन ऑफ एयर बट द गैप एंड टू फॉर्म एन आर्क, मतलब सिंपल सा बोला है कि इसका गैप कुछ इस तरीके से एडजस्ट किया गया है कि जो नॉर्मल अपना लाइन वोल्टेज है, जो अपना नॉर्मल ऑपरेटिंग वोल्टेज है, वो इस इंसुलेटिंग स्ट्रेंथ को नहीं तोड़ पाएगा, और अपना जो करंट है, जो नॉर्मल करंट है, वो अपना सीधा अपना जो कंडक्टर है उसी से ही फ्लो करेगा, इसमें आके ग्राउंड में नहीं जाएगा। ठीक है ना, फिर दूसरी चीज़, बट हाई सर्जेस वोल्टेज विल ब्रेक डाउन द एयर इंसुलेशन एंड फॉर्म एन आर्क बिटवीन द गैप एंड सीरीज कनेक्टिंग नॉन लीनियर रेजिस्टेंस। ठीक है ना, तो सिंपल सा ये लिखा है कि जो सर्ज वोल्टेज आएगा वो इस इंसुलेटिंग स्ट्रेंथ को तोड़ने में कामयाब हो जाएगा और यहाँ पे कंडक्टिंग पाथ बनाएगा, तो ये एक तरीके से लो रेजिस्टेंस पाथ बनेगा सर्जेस के लिए, और वो सीधा यहाँ से नॉन लीनियर रेजिस्टेंस के थ्रू होते हुए कहाँ पे, ग्राउंड में। फिर मैंने इस बात को वापस से लिख दिया नॉन लीनियर रेजिस्टेंस की, ताकि आप इसको लिख लो और पढ़ लो, है ना। नॉन लीनियर रेजिस्टर प्रोवाइड हाई रेजिस्टेंस टू नॉर्मल वोल्टेज कंडीशन, हाई रेजिस्टेंस किसको देगा, नॉर्मल वोल्टिंग रेजिस्टेंस को, नॉर्मल ऑपरेटिंग कंडीशन को, लो रेजिस्टेंस टू हाई वोल्टेज कंडीशन को, मतलब हमेशा उल्टा रहेगा। जब अपन को पता है, अपन को जब नॉर्मल ऑपरेटिंग कंडीशन नहीं है ना, तो इसको अपन को कंडक्ट करा के इसी रास्ते से अपन को ग्राउंड में भेजना है, तो ये क्या रेजिस्टेंस क्या करेगा, इसको लो होना पड़ेगा। लेकिन जब भी अपनी नॉर्मल ऑपरेटिंग कंडीशन है, ठीक है ना, तो अपन को नॉर्मल ऑपरेटिंग कंडीशन में अपन को इस वाले रास्ते को काम में नहीं लेना पड़ेगा, तो इस रेजिस्टेंस को हमेशा क्या होना पड़ेगा, हाई होना पड़ेगा, बिल्कुल कॉमन सेंस की बात है। ठीक है ना, अब एडवांटेज देख लो आप, इक्विपमेंट डैमेज कैन बी रिड्यूस फ्रॉम लाइटनिंग स्ट्रोक, लाइटनिंग स्ट्रोक से इसके जो इक्विपमेंट से जो अपने डैमेज होंगे वो बच सकते हैं। आउटडोर इक्विपमेंट और सबस्टेशन कैन बी प्रोटेक्टेड, ये सबको पता है। डिसएडवांटेज रिक्वायर्ड मोर स्पेस, ये तो कोई डिसएडवांटेज हुआ नहीं, लेकिन ये जो डिसएडवांटेज है इसी वजह से अपने ज़्यादातर आप देख सकते हो ट्रांसफार्मर के, मुझे तो बहुत कम डिस्ट्रीब्यूशन में तो कभी दिखा नहीं, और वही बिजली गिरती है तो फिर वो दिक्कत में करोगे, कॉस्ट ज़्यादा होती है बस। अब देखो लोकेशन पे खूब सवाल आते हैं, अब लोकेशन क्या होगी, इसी सिंपल सी बात है, जहाँ वहीं होगी जिस डिवाइस को अपन को प्रोटेक्ट करना है। ठीक है ना, तो ये सिंपल सा एक क्वेश्चन होता है ना, तो आप ये बता सकते हो जिस भी डिवाइस को आपको प्रोटेक्ट करना ना, भैया वहाँ पे लाइटनिंग एरेस्टर लगा दो, और हर फेस का अलग लगेगा, और एक टर्मिनल जुड़ेगा फेस में और दूसरा जुड़ेगा ग्राउंड में, और तीसरी बात ये है कि 1000 वोल्ट से ज़्यादा के लिए लाइटनिंग एरेस्टर काम में आता है, सर्ज एरेस्टर उससे कम में काम में आता है, लाइटनिंग एरेस्टर बाहर के काम में आता है। ठीक है ना, और देखो एक पॉइंट और जो इंपॉर्टेंट है, अब एसी सिस्टम में अगर क्या बोलते हैं लाइटनिंग एले लगाना है तो ग्राउंड और फेस के बीच में, जैसे कि अभी अपन ने पढ़ा, लेकिन अगर डीसी सिस्टम में प्रोटेक्ट करना है तो पोल और ग्राउंड के बीच में लगेगा। ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन, और इस पे एक और कंसेप्ट बता दूंगा, मतलब एक और पॉइंट बता दूंगा जो आपको देखना है। लाइटनिंग अरेस्टर इज यूजली लोकेटेड नियर टू, अब किसके किसके पास लोकेट करेंगे, जिसको अपन को बचाना है, बस्टर को अपन को बचाना ही नहीं है, सर्किट ब्रेकर को अपन को बचाना नहीं है, आइसोलेटर को अपन को बचाना नहीं है, अपन को बचाना है अपने ट्रांसफार्मर को, तो इसके पास लग जाएगा, यही आंसर है। अब देखो सब स्टेशन पे जो लाइटनिंग अरेस्टर लगता है वो पहला इंस्ट्रूमेंट होता है जो सब स्टेशन के अंदर जाते वक्त भी होगा और बाहर से जो लाइन आ रही है वैसे होगा, मतलब दोनों तरफ लगेगा लाइटनिंग अरेस्टर, तो ये वाला पॉइंट भी आपको याद रखना है। ठीक है ना, जो सब स्टेशन के अंदर ट्रांसमिशन लाइन आएगा वो वहाँ पे भी लाइटनिंग अरेस्टर, जो बाहर जा रही है वहाँ पे भी लाइटनिंग अरेस्टर। तो ये था लाइटनिंग अरेस्टर, दूसरे वीडियो में मैं सर्ज अरेस्टर और लाइटनिंग अरेस्टर के बीच में जो डिफरेंस के और भी पॉइंट है तो वो बना दूंगा। ठीक है, थैंक यू।